इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके लॉजिक को डेवलप किया जाता है, कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, कैसे इस लॉजिक को अपलोड किया जाता है, कैसे इसको लिंक किया जाता है, ये लॉजिक एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, किस स्टेट में है, ऑनलाइन कैसे देखना है, ऑफलाइन कैसे देखना है, वो मैं आपको इस सेक्शन में बताऊंगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट बैकग्राउंड से हैं या अभी जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं हमारे, उनके लिए इस टॉपिक को जानना या इसको समझना या इसको कर पाना ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको पहले अगर सेक्शनों में बता चुका हूँ मैं कि आपका प्रोजेक्ट्री है, प्रोजेक्ट्री हमारा खुला हुआ है, और सपोज़ करिए मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट्री है जो मैंने जो इस प्लांट के लिए हमने बनाए हैं, इस प्रोजेक्ट सेक्शन में मैं अपने बॉयलर सेक्शन में जाता हूँ, और आपका बॉयलर सेक्शन जो हमारा है वो थर्ड कंट्रोलर में है। जैसे ये है आपका कंट्रोलर, थर्ड कंट्रोलर जैसा मैंने आपको बताया। अब थर्ड कंट्रोलर में अगर हार्डवेयर पे कुछ हमें असाइन करना है, हार्डवेयर पे कुछ भी हार्डवेयर सिग्नल असाइन करने हैं, तो हम इस हार्डवेयर को ओपन करेंगे। जैसे हार्डवेयर आपका खुलेगा इस तरह से जो मैंने आपको पहले ही बताया है, हार्डवेयर खुलने के बाद आपको इस तरह से प्रोजेक्ट व्यू आपका मिलेगा। प्रोजेक्ट व्यू मिलने के बाद अगर हम जो भी आईओ है, कंसर्न इनपुट आउटपुट हार्डवेयर है, हम उस सपोज करिए इसका ये नेमिंग इसी तरह से होता है 1C03CA C03DA C J C03 EA। तो इस तरह से इसका नेमिंग है जो पैनल वाइज नेमिंग है। तो सपोज़ करिए मैं इस पैनल को खोलता हूँ। अब हार्डवेयर में मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है तो उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप समझिए ये प्रोफिबस मास्टर है। ये ब्लॉक अभी हमारा एक्टिवेटेड है क्योंकि ये ब्लू बैकग्राउंड में है। जो भी ब्लॉक इस लॉजिक या इस बिल्डर पर एक्टिवेटेड पड़े रहेंगे वो आपको ऑफलाइन में ब्लू बताएंगे। ये इसका ऑफलाइन मोड है जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मोड में ये आपके जो भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो भी करना है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताऊंगा। पहले आप इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाने का देख लीजिए। सेम ऑप्शन है जैसे मैं ग्राफिक्स में जाता था। तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और ओपन इन ऑपरेशन मोड कर दीजिए। ये अभी आपकी वैल्यूज़ जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए आपका सब कुछ तो सेम है, लेकिन आपका जो स्टेशन एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस है 3-3 दिया गया है प्रोफिबस मास्टर से स्लेव को, तो ये आपका पड़ा हुआ है। ये आउटपुट है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको ये लिंक कर रहा है 1x1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इतने मॉड्यूल्स हार्डवेयर मॉड्यूल्स हैं जो आपके AI हैं, AO हैं, DI हैं, DO हैं, DI SOEs हैं। तो अगला देखिए, जैसे आपका फर्स्ट मॉड्यूल 004 जो आपका यहाँ है, तो फर्स्ट मॉड्यूल ये आपका रहा 004 इनपुट, ये आपका हार्डवेयर है और ये आपका AI मॉड्यूल है। अभी ये ऑनलाइन मोड में है, अभी आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस कुछ ऑनलाइन वैल्यू जैसे फोर्स करना हो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो आप इसको जब भी आप हमें कुछ भी करना है तो हम इसमें आपका ओपन इन कॉन्फ़िगरेशन मोड में खोलेंगे। खोलने के बाद अगर सपोज करिए मुझे कुछ भी ऐड करना है, सपोज मुझे कोई ब्लॉक ऐड करना है, अगर मुझे कोई ऑटोमेशन ब्लॉक ऐड करना है, तो हम लाइब्रेरी में आपका ऑटोमेशन में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको। अगर हमें सब सोचिए मुझे अनलॉक कैलकुलेशन ब्लॉक को मुझे ऐड करना है इस पेज पे, या मुझे कुछ लॉजिक बनानी है, हम इस पर क्लिक करेंगे, नॉन टाइम रिलेटेड को सेलेक्ट करेंगे। सपोज मुझे ऐड ब्लॉक, इसको आप कर्सर से दबा के आप ड्रैग करके इस पेज पे छोड़ दीजिए। अभी देखिए, उसके बाद आप एक बार अगेन लेफ्ट क्लिक करिए, ये ब्लॉक आपका आ जाएगा। ये ब्लॉक आपका एडिशन ब्लॉक है। अभी इस ब्लॉक पे मुझे कुछ अगर जोड़ना है तो आप एडिशन कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल का करो, कांस्टेंट का करो। तो आपके ये आपके लिंकिंग पिन्स हैं, मतलब इनपुट आउटपुट तीन टाइप के हैं। ये आपका लोकल कनेक्शन है जो आपके
एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ने के लिए होगा, लेकिन ये वेरिएबल के लिए नहीं है। ये आपका वेरिएबल कनेक्शन है जो आपको किसी भी इनपुट या आउटपुट को ब्लॉक से जोड़ने के लिए है, और ये आपका फिक्स कनेक्शन है जो सिर्फ आपको रेफरेंस, मतलब सिर्फ आप नेमिंग के लिए आप अगर उसको जोड़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो सपोज़ करिए ये ब्लॉक मैंने लिया एडिशन का, अब ये ब्लॉक सेलेक्टेड पड़ा है तो इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए। अभी मैं इस पर एक इनपुट जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने इसको एक बार क्लिक किया लेफ़्ट क्लिक, ये सेलेक्ट हो गया। अगेन मैं यहाँ लाया, इस पर एक बार अगेन लेफ़्ट क्लिक करिए, फिर इसको दूर ले जाइए। जैसे दूर ले जाएंगे आप, एक येलो बॉक्स आएगा, इस पर एक बार लेफ़्ट क्लिक और कर दीजिए, तो ये आपका इनपुट जुड़ गया। अब इस इनपुट पे कौन सा वेरिएबल आपको डिफ़ाइन करना है, उसके लिए अगर आप इसको इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये डबल क्लिक किया, तो ये इस तरह से आपको एक फेस प्लेट खुलेगा। ये फेस प्लेट आया जिसमें आप जिस भी वैल्यू को डालना है इसका टैग नेम डाल दीजिए। टैग नेम डाल के यहाँ पे टैग नेम आपको कहीं से एक्सेस करना है तो ये आप खोल दीजिए। ये टैग नेम लिस्ट आ गया। सपोज मुझे इस टैग को यहाँ असाइन करना है, ये टैग मैंने इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ नीचे आपका इस तरह से आएगा और इस टैग पे आप इंटर बटन कर दीजिए। तो इंटर मारने के बाद ये चीज़ें इस तरह से आपकी आ जाएंगी। ये BL02X01 सुपर एडार स्टीम टेम्परेचर, आपको इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी आपकी, इस देखिए टैग नेम आ गया, सिग्नल नेम आ गया, सिग्नल नेम आ गया, आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करते ही जैसे ही आप पैरामीटर यहाँ डालेंगे, इसका बैकग्राउंड येलो से ब्लू वाइट हो जाएगा। वाइट होने का मतलब ये वेरिएबल करेक्ट है और इसको आपने एडिशन ब्लॉक में जोड़ दिया। अब इसी ब्लॉक पर एक मुझे आउटपुट जोड़ना है। अगेन जाइए ये वेरिएबल मिडिल, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट कनेक्शन के लिए यूज होता है, इसको सेलेक्ट करिए लेफ़्ट क्लिक करके और यहाँ लाइए। अगेन एक बार लेफ़्ट क्लिक करिए और दूर ले जाइए, इस पर फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये आपका आउटपुट हो गया। अब ये आउटपुट अगर सिर्फ आपका यहीं तक आता है तो ये येलो बैकग्राउंड में रहेगा, लेकिन अगर इस आउटपुट को आप कहीं और जोड़ देंगे तो सेम ये आपका वाइट बैकग्राउंड में आ जाएगा। अब ये लॉजिक आपका, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी ब्लू बैकग्राउंड है ये एक्टिवेटेड लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक आपकी ग्रे बैकग्राउंड में पड़ी हुई है तो ये एक्टिवेटेड नहीं है। अब मुझे इस लॉजिक को एक्टिवेट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉजिक तो मैंने बना लिया, अभी इसे मुझे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप इधर जाइए टॉप में, इस एरिया में, ये एरिया आपका प्राइम है। इस एरिया के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बटन है आपकी, इसको कमिट बोलते हैं। जो लॉजिक आपने बनाई है इसको कमिट करना है, कमिट मतलब एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको कमिट करिए। इस कमिट करने के बाद अगर कोई भी एरर होगा आपका, वो एरर आपका डिस्प्ले होगा, तो उस एरर को दूर कर देंगे, मतलब एरर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस लॉजिक को कमिट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कर्सर वहाँ ले जाइए और कमिट बटन दबा दीजिए। इस तरह से आपका डायलॉग विंडो आएगा। इस डायलॉग विंडो में जो भी ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्टेड होंगे कमिट करने के लिए वो आपको यहाँ दिखेंगे, इसको कमिट कर दीजिए। कमिट करने के बाद इस तरह से आपका विंडो एक आएगा, ये देखिए कमिटेड हो गया सक्सेसफुली, इसका रिजल्ट आया, इसमें कोई एरर नहीं है, मैंने इसको ओके कर दिया। अभी कमिट करने के बाद अगला स्टेप होता है इस लॉजिक को एक्टिवेट करना। ये ऑप्शन एक्टिवेट का है, ये आपका प्रीव्यू देखने का है, आपका एक्टिवेशन प्रीव्यू आपको देखना है। ये आपका रोल बैक है, अगर आप कुछ भी जो किए हैं उसको वापस लेना चाहते हैं तो आप रोल बैक कर सकते हैं। अगेन अब मुझे इस लॉजिक को एक्टिवेट करना है, तो मैं इस एक्टिवेट के बटन को दबाऊंगा। इस तरह से ये ऑप्शन मुझसे पूछेगा एक्टिवेट करने के लिए, तो मैं फिर इसको कर्सर ले जाके एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट के टाइम आपका अगेन इस तरह से विंडो आएगी, जो विंडो आएगी नीचे फिर पूछेगा एक्टिवेट करने के लिए, आप अगेन इसको एक्टिवेट कर दीजिए और ये आपका एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेटेड रिजल्ट आया, आप ओके कर दीजिए। अभी आप देखिए ये लॉजिक आपकी ब्लू बैकग्राउंड में हो गई और ये आपका लॉजिक एक्टिवेट हो गया।
अब इस लॉजिक को आप देखना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करिए और इसको ओपन इन ऑपरेशन मोड कर दीजिए। ऑपरेशन मोड करते ही ये लॉजिक आपकी वैल्यू आ गई। मैंने एडिशन किया था, दूसरे पोर्ट पे कुछ नहीं है तो जीरो है, पहले पोर्ट पे 48 आ रहा है तो ये आउटपुट आपका आएगा। अब इसको आप जहाँ ले जाना चाहें, जहाँ लिंक करना चाहें आप इसको लिंक कर सकते हैं। इस तरह से आपका ब्लॉग बनाना, डालना और एडिट करना है। अगला पोर्शन मैं आपको बताता हूँ इसी सेक्शन में कि किसी भी हार्डवेयर वैल्यू को या आईओ चैनल को कैसे असाइन करना है। अगेन आप जाइए इस ओपन इन कॉन्फ़िगरेशन मोड में। जैसे आपका ये आपका कार्ड है, ये आई कार्ड, एक चैनल आपका पड़ा हुआ है तो आप जैसे मैंने आपको बताया था एक आई कनेक्शन सेलेक्ट करिए और इस पर एक बार आप लेफ़्ट क्लिक करिए और जैसे आपका ये आ गया, ये आपका जुड़ गया एक हार्डवेयर चैनल। अब इस हार्डवेयर चैनल को जो भी आपको एड्रेस देना है वो आप इसको दे के इसको ऐड कर सकते हैं इस हार्डवेयर चैनल को। तो इस तरह से आप अगर इस पे एड्रेस कुछ देंगे डबल क्लिक करके, जो भी अभी ये वैल्यूज़ पड़ी हैं उसको ऐसे आप देख सकते हैं, ये इसका फेस प्लेट है, इस पे ये वैल्यूज़ पड़ी हैं। अगर आपको कुछ और असाइन करना है, किसी और हार्डवेयर आईओ पे ले जाना है तो आप इसके टैग और सिग्नल नेम ये दोनों बदल के, और यहाँ पे आपको HW डालना पड़ेगा क्योंकि हार्डवेयर है तो HW सिग्नल का नोटेशन होता है यहाँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस सिग्नल पे ये जितने असाइंड है अभी BL02LCV ZI001/XQ01HW तो ये उस करस्पॉन्डिंग सिग्नल हार्डवेयर चैनल पे चला जाएगा जहाँ से आपको करना है। इसी तरह से आपसे आप AI एनालॉग इनपुट, DI डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, RTD थर्मोकपल जो भी आपको असाइन करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर अगेन वही प्रोसेस, यहाँ आप इसको कर्सर ला के सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ ये ले लेगा, लेने के बाद अगेन आप यहाँ पे कमी 10 एक्टिवेट, ये प्रोसेस आपको बार बार जब भी आप कुछ चेंज करेंगे, चाहे आप ग्राफिक्स में चेंज करें, चाहे आप कंट्रोल लॉजिक्स में चेंज करें, बिल्डर्स में चेंज करें, ये आपको यहाँ पे कमिट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन रहा आपको लॉजिक एडिट मॉडिफाई करने का। आप इस तरह से जा सकते हैं, कोई भी ब्लॉग, कोई भी लॉजिक आप बना सकते हैं जैसा है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स ब्लॉग्स हैं वो मैं आपको बाद में PID कंट्रोलर या मोटर ब्लॉग्स या जो भी है आपको इसके बाद में बताऊँगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसको देखते रहिए।